चिड़ी जितने शटर लगने से शेर की आय निकल गई है। चेक करवाओ, जख्म तो नहीं हो गया? हाय। जख्म तो हो गया मामू जी। मम्मी साहिबा की एक बात ने चीर डाला है मुझे। कहती है जाओ पुनार, मैंने तुम्हें हुक्म के खून की जिम्मेदारी से आजाद किया और तुम ऐसी हो के मजे से बैडमिंटन खेल रही हो। ओए, गुर्दे में दम नहीं है तो दम करा, कहानियां ना सुना। ये शटल देखी है तुमने? इसकी तरह है तू, नफरत और मोहब्बत के बीच में उड़ता हुआ, कभी नफरत की तरफ कभी मोहब्बत की तरफ। रैकेट बन मुन्ने, रैकेट, शटल ना बन, वरना मेहर लो खेलते रहेंगे तुझसे। तो क्या करूं, अम्मी साहिबा को जाकर दिखाऊं कि गुर्दे में दम है, कि ना देखूं कि उनके अंदर कितना गम है। तू बेटा देखता जा और सोचता जा, रोता क्यों है, मोहब्बत क्यों करता है? किसी का दिल ले लेगा तो कहां रखेगा, गुटलियों के बोरे में? अरे ये तो बता बांके, लड़की का नाम क्या है, कहां की है, क्या दिखती होगी कि तेरे जैसे बुत में जान डाल दी उसने। हाँ, कोई लड़की नहीं है, दिल उसको दिया ही नहीं और दिल उससे लिया ही नहीं। तो गया मामू। गया नहीं, पहुंच गया। दिल छिल दिया है पर उससे दिल लिया ही नहीं है, इसकी वजह से तड़फ रहा है। लड़की है कौन? सिस्टर को पता? आपको नहीं पता? मुझे भी पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। कमीना, सिस्टर की कसम दे गया मुझे। याद है बाली के साथ एक लड़का होता था, जज्जी, नीली आंखें थी उसकी, घुंघराले बाल, गाल पर तिल भी था। उसी को ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तुम भी ढूंढ रहे? क्यों ढूंढ रहे? है कोई काम बस। चाल चलो। बिस्मिल्लाह। लगता है मैंने उसको कहीं देखा है। कहां? यही कहीं आस पास। अब उसकी आंखें नीली नहीं है, गाल पर तिल भी नहीं। क्यों हंस रहे हो? आंखें दिखाओ अपनी। वही रंग है, वही नफरत है, आप तुम जरा नहीं बदले। पुनार को देखा है कभी गौर से? बिल्कुल हुक्म जैसा है और हुक्म बिल्कुल मेरे जैसा। मेहरों के सामने दुनिया बदलती है यावर कमाल, मेहर नहीं बदलते। वो नहीं है हुक्म जैसा, उसकी रगों में बड़ाचों का खून मिल गया है, कौन सा मेहरुन्निसा का खून।
उसके खून में मोहब्बत ज्यादा है। नफरत के बाद मैरो का दूसरा पीरियड मोहब्बत होता है, देखा नहीं था? आखिर में हुक्म को जोरा से कितनी मोहब्बत हो गई थी। ऐसा क्या है जज्जी में जो 5 लाख का इनाम रख दिया उस पे? वो बाली का घर बेच दिया उसने, दुकानें बेच दी, पैसे लेकर भाग गया है। बस पैसे? बस पैसे। तो फिर 5 लाख मेरी तरफ से भी डाल दे। जो जज्जी को ढूंढ के लाएगा 10 लाख पाएगा। आपका भी कोई लेन देन है उसके साथ? बाली असल है और जज्जी सूद है। असल के साथ सूद भी चाहिए यार अकबाल। लगा लिया ना बातों में। चल जरा सोच के चला करो। याद आती है वो? जी नहीं। मैरो में तुम पहले हो पुनार जो मोहब्बत करके झूठ बोल रहे हो। पहले बस मैरो की लड़कियां झूठ बोला करती थी, उनको तो चलो शर्म आती थी, पर तुम्हें क्या हुआ? ये भी तो लड़की है अम्मी साहिबा, मूंछ रख के टैंट्रम्स दिखाता है, वरना गुर्दे में दम नहीं है। देखिए अम्मी साहिबा कैसे देख रहा है मुझे। कहो ना प्यार करता हूँ, नाम बताओ उसका, एड्रेस लिखवाओ तो बात कर लेते हैं। नाम पता है मुझे माही, लड़की को देखा भी है मैंने, प्यारी है कमबख्त, छलावा सी चलती है, बेतहाशा बोलती है। कौन है अम्मी साहिबा? आपको कसम है अम्मी साहिबा, नाम मत बताइएगा उसका। मुझसे छुपाओगे कभी नहीं? बात छुपाने की नहीं है, कल से यहां कोई नहीं कहेगा कि पुनार को मोहब्बत हुई थी। मरेगा तो बताऊंगा कि मोहब्बत हो गई है, फिर नाम भी बताऊंगा उसका। सुना है तुमने, बाली मरेगा तो बताएगा मोहब्बत हो गई है उसको। मर्द के बच्चे पहले कॉल पूरा करते हैं, फिर करते हैं मोहब्बत। लड़की का नाम क्या है अम्मी साहिबा? गुस्सा देखा है इसका, बिल्कुल हुक्म जैसा, आंखें लाल, गुलाबी गाल, चीते सी चाल। बाली मरेगा तो बताऊंगी लड़की का नाम, फिर वर मांगने जाएंगे। बाली के सुने 2 बच्चे भी थे, अब तो बड़े हो गए होंगे, ग्रोन अप इनफ। चाल चलो ये जवाब दो। बच्चों को बीच में मत लाओ मेर साहब। बच्चे तो नहीं रहे ना जी, अब तो माशाल्लाह बाली जितने जवान हो गए होंगे। चाल चल दी है मैंने। मैंने भी चल दी। ये लो,
से बैठ के बात करो, बोलो पेश हो जाए। हुक्म के बाद 22 साल जी लिया उसने, काफी है, वरना 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 क्या? कभी कभी मुझे बाली के सके मामा जी लगते हैं। वरना के जवाब में फौरन कहते हो वरना क्या? तो वरना ये यावर कमाल साहब के गोली चलेगी और कई गोलियां निशाने पर नहीं लगेंगी। और हमारे यहां अक्सर बच्चे बाप के साथ पिज्जा खाने निकल पड़ते हैं। नीचे देखो, बाजी हाथ से जा रही है। फिर उसके बच्चों की बात न करना, नशा बाजी शतरंज पर पड़ी रह जाएगी। नाइस वेट थ्रेट। थ्रेट नहीं कर रहा मैं, सब समझा रहा हूं आपको। बात बच्चों तक नहीं पहुंचा, वरना नस्लों तक जाएगी। एक बस्तुनार के भरोसे पर लंबी जंग ना लड़ो। उसके कितने? 2 पुत्र हैं उसके। नंबर ना गिनो मेहर साहब, याद कर लो वो बाली है। एक बाली, एक बाली जिसको मेहरों का लश्कर नहीं मार सका। कुछ महसूस कर रहे हो यावर कमाल? मेरे तन बदन में आग लगा दी है तुमने। मेहर साहब, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे मथे पे पिस्तौल रख के फायर मारूं और फिर तुझसे कहूं शह यावर कमाल, पर नहीं। अब तुझे वो मंजर दिखाना है। इनवाइटेड टू पार्टी, बाली विद फैमिली, इनवाइटेड टू पार्टी। सो रहा हूं। आंखें बंद कर लेने से वो नजर नहीं आएगी क्या? अरे बेवकूफ, इस तरह वो आंखों से निकलेगी नहीं, पहले से ज्यादा नजर आएगी। मुझे नींद आ रही है माही। तुम्हें याद आ रही है उसकी? अब तुम ख्वाब में ढूंढोगे उसको, मिलेगी तो कहोगे सॉरी, और कहोगे मैं अम्मी साहिबा से डर गया हूँ। वो इजाजत देंगी तो करूंगा मोहब्बत, वरना मुंह छुपाकर सोया रहूंगा। शट अप माही। You shut up. भाड़े के टट्टू हो तुम। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नफरत के लिए हायर कर लिया है। वो तुमसे प्यार जताती हैं, लाड करती हैं, ताकि तुम बाली से नफरत करते रहो। ये बात अमीर साहब के सामने कहोगी? कह दूंगी किसी दिन, जिस दिन मुझे लगेगा बाली को मारने में मेरे भाई की जान को खतरा है। तो देखना उस दिन, उस दिन मैं हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगी। आहिस्ता माही, आहिस्ता। रात को टहलती हैं आसपास। तुम मेरी फिक्र ना करो बुजदिल, अपने बारे में सोचो, वरना ऐसा पहली बार होगा कि कोई किसी को दिल देकर आए और अम्मी की डांट सुनकर सोचे मैं अपना दिल वापस ले लूंगा। गुड नाइट। ऐसे नहीं होगा लल्लू, दिल को कोई इस तरह नहीं देते कि सीने से निकाल कर हाथ में थमा दिया, और ना मांगने से इस तरह वापस मिलता है। उससे भी तो पूछो, अगर वो प्यार कर बैठी है तो वो करेगी वापस? और बंद करो ये बार बार आंखें बंद करना, और सोचो हुकुम का बेटा अगर बाली को मार देगा, खुद फांसी चढ़ जाएगा, तो हुकुम एक बार फिर नहीं मर जाएंगे? और जिंदा बच जाने वाली हुकुम की बेटी को ये नहीं लगेगा कि इस बार हुकुम की बीवी ने हुकुम को मार दिया है? जुबान को लगाम दो प्लीज। प्रॉमिस करो, मोहब्बत हो गई है तो मोहब्बत करोगे, अम्मी साहिबा से डरोगे नहीं।
नहीं कर सकता। तो फिर याद रखना मेहरपनार, नफरत के इस खेल में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को अपने भाई का खून माफ नहीं करूंगी। सुनो माही, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर नाम बताओ उसका। एक शर्त पर। बोलो। तुम कभी किसी को उसका नाम नहीं बताओगे, उसको भी नहीं। प्रॉमिस। रामीन। मुझे लगता है तुम लोग खुश नहीं हो। किसने कहा? नहीं, मुझे लगा कि खुश नहीं हो। कैसे लगा आपको? मतलब हम क्या करें तो आपको लगेगा कि हम खुश हैं? अमेरिका वापस चले जाओ। वाह, क्या आइडिया यार। अमेरिका वापस चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम पाकिस्तान में खुश हैं? सो इंटेलिजेंट। अरे पूरी तरह पढ़ के तो आओ। ये क्या, एक एक डिग्री ली और मुंह खा के वापस चले आए? नो, आई डोंट लाइक दिस। आगे भी पढ़ना पड़ेगा। सो यू डोंट लाइक द आइडिया? ये आइडिया आया कहां से? यहां से, दिल से कह रहा हूं। अभी जाओ यहां से, यहां के हालात अच्छे नहीं है। तो हालात बस हम दोनों के लिए अच्छे नहीं है? नाश्ते की टेबल पे बात होगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं वो? नहीं मालूम। वहां तो फोन करके कहते थे वापस आ जाओ, फैक्ट्री संभालो, मैं बूढ़ा हो गया हूं। सच बताऊं, आज तो लगा है कि वो बूढ़े हो गए। डरपोक, किसी बात पर सहमे नहीं। टोंगवाले पूछ रहे थे। बात क्या है पॉप्स? कौन सी बात? वही अमेरिका जाने की। क्यों कहा कि चले जाओ? ऐसे ही यार, बाय द वे तुम दोनों तो सीरियस हो गए हो यार। आप भी तो सीरियस थे बहुत। लगा हम हाँ कहेंगे तो शाम की फ्लाइट से भेज दोगे। देखो जरा ये लड़की कैसे घूर रही है मुझे। कम ऑन यार, मजाक कर रहा था। झूठ मत बोलो। डर गए हो, सहम गए हो? ये चलेगा? ये नहीं चलेगा कि अब आप झूठ भी बोला करोगे। मतलब बाप अगर सोचेगा कि बच्चों को एक दूसरा कोर्स भी पढ़ना चाहिए तो बच्चों को बुरा लगेगा, वो कहेंगे कि मैं डर गया, झूठ बोल रहा हूं। Let me tell you, बाप कभी दुश्मन की तरह अचानक हमला नहीं करते। वो सामने आकर आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि यार आजकल मैं ये सोच रहा हूं, क्या ख्याल है तुम्हारा?
वही तो मैं कह रहा हूं यार, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि यहां से वाइंड अप करके मैं भी वहीं चला जाऊं, अमेरिका चल के रहते हैं। क्यों? सेफ कंट्री है यार, पारोस बम नहीं चलते, लोग नहीं मरते, बच्चों की जाने नहीं जाती, मां बाप की कमाइयां नहीं लगती। हम चले जाएं और बाकी सबको यहां छोड़ जाएं पॉप्स। बाकी कौन? वो जो अमेरिका नहीं जा सकते। मजे की बात बताऊं, बड़ा सेफ कंट्री है वो, लेकिन वहां के लोग भी मर जाते हैं। तुमने समझा क्या? मैं समझ गई हूँ। 3 साल दूर रहे हो तो हमारे बगैर जीना सीख लिया। Don't worry, I'll help you recover your mindset. कम कम मिलूंगी आपसे। No, रास्ता भी नहीं करूंगी आपके साथ। रामी, रामी, रामी। ओए, जाओ, देखो जरा उसे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके बुला के लाओ उसे। मेरे बुलाने से नहीं आएगी। जब हिम्मत नहीं तो पंगा क्यों लेते हो? शट अप यार। रामीन, रामीन। बात क्या है मोजू अंकल? मेरा बाप डर क्यों रहा है? आई डोंट नो। रामीन, कहाँ हो तुम? ये क्या हो रहा है? अमेरिका में कौन पढ़ाता है बदतमीजी? शर्मिंदा हो रहा है ना? हाँ। अब कोई फायदा नहीं है, मैं कल की फ्लाइट से चली जाऊंगी। बाप को शिकस्त फास्ट होगी। अब क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा, मैंने मान लिया। यू शुड बी हैप्पी यार। नाश्ता कर लो। कर लूंगी ना, अभी ताजा ताजा चोट है तो सलाने में लगेगा कि भूख नहीं लग रही, फिर लगी जाएगी। खा लूंगी पक्का। आप चाय नाश्ता कर लें प्लीज। एक पल नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम्हारी कसम। तुम नहीं थी तो तुम्हारी बदतमीजियां याद करके रोया करता था। तो क्यों कहा के चली जाओ? ऐसे ही चेक कर रहा था बस। इन 3 सालों में लगा कि तुम दोनों का प्यार कुछ कम हो गया। कैसे लगा? अरे लगेगा क्यों नहीं, वो साला मेरा प्यार वहीं पे बांट के आ गया। अब रात को मुझसे बातें करने की बजाय फोन पर उसके साथ बातें करता। जब से आया कोई फरमाइश ही नहीं की उसने, उसके सिवा कुछ मांगा ही नहीं। कल को तुम भी यही कहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास क्या रहेगा? वो साला मौजू, उसके साथ रह रह के तंग आ गया। अच्छा बस, इतने सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने पापा का टाइम किसी को नहीं दूंगी। नेवर। लव यू बेटा। चलो हम नाश्ता कर लें। आजो। यावर के मॉल को फोन किया? नहीं। अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? मैं उनको अमेरिका नहीं भेजूंगा, उसे नहीं रहा जाएगा। मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकता। वो भी नहीं रह सकते। अभी लग रहा था प्लेट उठाकर तुम्हारे सर पे मार दे। बाप हो उसका? वो ये बाद में सोचती है कि तुम बाप हो उसके। अच्छा अच्छा,
आइडिया है मौजू। बोल। मैं उसको फोन करता हूँ, कहता हूँ कि मैं जीला बोल रहा हूँ। जीला कौन? अरे वो चीमो का हस्बैंड। तेरी चीमो का हस्बैंड? मेरी कोई चीमो नहीं। जीला बनकर क्या कहेगा उसको? कहूंगा मुझे पता है चची का। वो कहेगा बता। मैं कहूंगा पहले तू बता कि चची के साथ क्या काम है। फिर जो जवाब देगा उस हिसाब से अगली बात करूंगा। बच्चों का जिक्र ना हुआ तो मिल लूंगा उससे। जीला दुबई में होता है। पता है मुझे। छीमो भी दुबई में होती है। यावर कमाल उस वक्त 45 साल का था, है ना मोचू? उम्र को याद कर रहे हैं? अब 65 का हो गया होगा। तो क्या 65 बड़ी उम्र होती है मोचू? 65% लोग 65 की उम्र में मर जाते हैं। यावर कमाल में मर जाता तो क्या था? क्या हुआ? ऑफिस आ गया सर। अच्छा। आज मैं करूंगा फोन। उसने मुझ पर 5 लाख का इनाम रखा है, मैं उस पर 50 लाख का इनाम रखूंगा। उसने तो तुझे ढूंढने का इनाम रखा है यार। मैं उसको गायब करने का इनाम रखूंगा। जो भी यावर कमाल को गायब करेगा मुझसे आकर 50 लाख ले ले। इनाम ज्यादा है यार, कम कर। कम नहीं करूंगा, ज्यादा कर दूंगा। भाई साहब आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मौजू अंकल। भाई आपको अंकल इसलिए कहा है कि फरहाद आपको मौजू अंकल कहता है। थैंक यू। मैं तो ये समझा था कि आप मुझे देखते ही कहेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज मैन साहब। कब आए आप? अभी कोई हाफ एन आवर अगो, व्हेन इट वाज 9:30। अच्छा, कोई चाय कॉफी पी आपने? 2 कॉफियां पी। बल्कि लड़के को 100 का नोट दे के ये भी कहा है कि वेरी गुड कॉफी। गुड। वो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले आप लोग घर आएंगे। हम लोग बिल्कुल घर आएंगे आपके, मगर मैंने ये सोचा कि मैं आपकी फैक्ट्री को विजिट करूं, देखूं यहां पे क्या बनता है, कैसे बनता है। आप भी बैठे ना मौजूद अंकल। How is Farhad? He's fine, माशाल्लाह। बस कुछ ही दिनों में बैठेगा यहाँ मेरी सीट पर। Good, very good। इकबाल साहब, आपने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं भी पूछ रहा हूँ, मतलब आप 2 भाई हैं ना, इकबाल और इजाज। इजाज जिसकी नीली आंखें हैं, गाल पर तिल भी है। जी नहीं मैम साहब, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। आपको किसने कहा कि मेरा कोई दूसरा भाई भी है? ये तस्वीर छपी है अखबार में। बड़ाइचों में हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने छपना। देखो सर,
नाक नक्शा बुख मुआंदरा बिल्कुल आप जैसा है। 5 लाख रुपया इनाम है इस पे, मतलब जो इसे ढूंढ के लाएगा उसे 5 लाख दिया जाएगा। ये यावर कमाल कौन है मेरे साहब? इखलाकी तौर पर आपका पहला सवाल यही बनता है। मैंने बताया ना, बड़ाइचों में हमारा दूर पार का दोस्त और बहुत नजदीक का दुश्मन है। तस्वीर मिलती है मुझसे लेकिन आंखें नहीं मिलती, गाल पे तिल नहीं है मेरे, वरना लगता कि मैं पिछास उर्फ चची। अल्लाह भी क्या क्या मौजज़े दिखाता है मेरे साथ, है ना? जी जी बिल्कुल, बस मैं भी यही चेक करने आया हूं कि ये मौजज़ा खुदा ने दिखाया है या कोई बंदा है जो मौजज़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, बिग वन। इकबाल साहब, आपका शहर से कोई, अंदरून शहर से कोई तल्लुक हो? मतलब आपका तो खैर नहीं हो सकता, आपके अब्बा जी का? मैंने कभी सुना नहीं और ना ही अब्बा जी ने कभी जिक्र किया। हाँ, जिक्र क्यों करना था, छुपा लिया होगा। किस बात को मेरे साहब? दूसरी को? दूसरी क्या मेरे साहब? बीवी साहब, कई दो दो होती है भाई, हो सकता है कि इजाज उसमें से हो और आपसे कभी जिक्र ना किया हो। नहीं मेहर साहब, मेरी माँ अब्बा जी की इकलौती बीवी थी, और अगर अब क्या नाम है उसका, जी थी इजाज उर्फ जज्जी की शक्ल अगर मुझसे मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बाप की दूसरी औलाद है। मैं चलता हूं। अरे नहीं मेरे साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आप? खाना नहीं जाना, आज आंसा मेहरुन निसार के साथ आपके खड़ा होगा तो खाऊंगा। श्योर? 100% श्योर। चले फिर, हाथ मिला। अरे नहीं भाई साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। नहीं, जिस दिन आपके घर आऊंगा गेट तक छोड़ने आई, आज ये पहुंचो अंकल मुझे गाड़ी तक छोड़। जी श्योर। हैव अ गुड डे। यू टू भाई साहब। प्लीज यावर कमाल बोल रहा हूं। चची को ढूंढने के लिए अखबार में इश्तहार दिया है आपने? जी हाँ। क्या काम है उसे? कौन बोल रहे हैं आप? मैं जानता हूँ चची को, मिलवा सकता हूँ आपको, पैसे भी नहीं लूंगा, बस इतना बता दीजिए काम क्या है उसे। And I give you my words. शाम से पहले चची आपके सामने होगा। अपना नाम नहीं बताएंगे आप? जब तक आप काम नहीं बताएंगे
मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। जज जी बोल रहे हो तुम? जज जी बोल रहे हो ना? जज जी बोल रहे हो? हाँ, मैं जज जी बोल रहा हूं। बताओ क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? बाली के बच्चे हैं तुम्हारे पास? उनसे तुम्हारा क्या वास्ता? बच्चे जोरा ने मेरे हवाले किए थे और मरते हुए कहा था अब मैं ही उनका बाप हूं। ओके फाइन, तुमने उनको पाला है तो तुम उनके बाप हो। पर ये बताओ, जो सचमुच उनका बाप है वो क्या करे? अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। अभी उसकी बख्शिश का वक्त नहीं आया जज्जी, अभी वो मरा नहीं है, ओ जिंदा है। और सजा काट कर वापस आ गया है। क्या? कौन वापस आ गया? बाली। बाली जिंदा है। हाँ, बाली जिंदा है जी।